आज 25 फरवरी की जो हायर एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ हैं उसमें ये एनईडी यूनिवर्सिटी में एनईडी यूनिवर्सिटी के तावन से यूएनडीपी प्रोजेक्ट जो है अन सुनामी प्रिपेयर्डनेस लॉन्च किया गया है। ये कराची में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जापानीज गवर्नमेंट के तावन से और इसमें जो एनडीएमए और प्रोविंशियल पीडीएमए बलोचिस्तान और सिंध की उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और स्पॉन्सर किया हुआ है इसको। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने भी और ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सुनामी के हवाले से SOPs भी डेवलप किए जाएं और जो पॉपुलेशन है उसको अवेयरनेस और प्रिपेयरनेस के हवाले से उनको बताया जाए। उसके बाद ये कराची यूनिवर्सिटी के जो बॉटनी डिपार्टमेंट है उसने कुछ 1967 में US फंडिंग से जो पाकिस्तान में फ्लावर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं जो ओवर 6,000 के करीब जो स्पेशीज हैं उनकी डिटेल्स और वो डेटा कलेक्ट करके 224 वॉल्यूम की जो है बुक पब्लिश की है। और उसमें जो प्लांट लाइफ ऑफ साउथ एशिया के नाम से ये जो बुक है उसमें कंप्लीट एक तरह से डिटेल्स प्रोवाइड की जा रही हैं कि क्या क्या इसमें। ये 1967 में शुरू हुआ था और अब जाके वो कंप्लीट हुआ है और पाकिस्तान के सारे जो फ्लावर्स की डिटेल है वो इसमें उन्होंने इंक्लूड की है। यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के तहत जो है स्कॉलरशिप्स ओपन है। 20 फरवरी लास्ट डेट है और जो PhD स्टडीज़ फॉल 2020 की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में है USA की यूनिवर्सिटीज़ में है उसके लिए एप्लीकेशंस की कॉल आई हुई है। और ये जो रेस्पेक्टिव पेज है अगर आप स्कॉलरशिप फॉरेन स्कॉलरशिप्स में जाएंगे तो वहाँ पर ये US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर की जो है स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स उसका इंट्रोडक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाउ टू अप्लाई और यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट किससे रब्ता किया जाए वगैरह सारे मौजूद हैं।